महापुरुषों का शब्द है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा नाम ध्यान वो ये करते हैं, जिसके पास नाम है और गुरु का ध्यान है उसको किसी चीज़ की मांगने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है संत कौन होता है? सत्संगी वो है जिसको सत्य को जानने की इच्छा है, वो सत्संगी है। साधु कौन होता है? साधु वो है जो मन की साधना करता है। हंस कौन है? हंस वो है जो झूठ और सच की को जानता है कि ये झूठा है ये सच्चा है, ये दूध है ये पानी है। और परमहंस वो है जिसको अध्यात्म की पता लग जाते है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं आत्मा भी नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ, वो परमहंस है। और जो परमहंस से ऊपर होता है प्रकाश में रहने वाला वो संत होता है। बात समझ गए? ये स्टेजेज हैं संत मत की, ये संत मत की स्टेजेज हैं और इसमें चलने वाला वहाँ पहुँच जाता है जहाँ वो माल के कुल है वहाँ पहुँचता है। अब सवाल ये है कि वो नाम क्या है जिसका वो ध्यान करते हैं या सिमरन करते हैं। दुनिया की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसका नाम है और रूप नहीं, जिसका रूप है उसका नाम है। कोई चीज़ देख लो, जीव देख लो, जंतु देख लो, पशु देख लो, पक्षी देख लो, दरख्त देख लो, जड़ी देख लो, बूटी देख लो, सबका नाम है ना। बगैर नाम के इस सृष्टि में कोई चीज़ नहीं है। तो जिसका नाम है उसका गुण भी है, उसका गुण है, उसमें गुण होता है, सिफ्त होती है। तो जो नाम उस संत देते हैं वो माल के कुल का नाम होता है, वो गुरु का दिया हुआ प्रसाद होता है। और जो उसके ऊपर चलेगा उसको दुनिया में कोई कमी रह नहीं सकती। तो मैं दाता दयाल जी का आपको एक शब्द सुनाता हूँ, नाम मिला तो सब मिला, नाम है सबका साथ। तुम जिस मर्जी नाम को ले लो, मैं इस बात में नहीं जाता, आप राम राम जपो, आप वाहिगुरु जपो, आप सतनाम जपो, आप कोई और नाम हरे कृष्णा हरे राम कहो, इसमें कोई फर्क नहीं है, वो तो मन को इकट्ठा करने वाला है। लेकिन ये जो नाम है जो इस वाणी में कहा गया है वो बहुत ऊंचा है, वो मैं आपको बताने लगा हूँ। कुदरती जो शब्द निकला इसलिए मैं आपको बताने लगा। सुनो राधा सुन, नाम अमोल रतन है जग में, नाम अमोल रतन है जग में, नाम अमोल। दुनिया में नाम क्या है? सबसे अनमोल चीज, उसका कोई मूल्य नहीं है, ये कह रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो दुनिया से कोई अलग चीज़ है, वो ऐसी चीज़ है जो हमें कहीं पहुँचाए वाले बने। जैसे आपने कहीं जाना है, विदेश में जाना है, तो आप कहाँ का टिकट लेंगे? वहाँ के एयरपोर्ट का टिकट लेंगे। मेरी बात समझ रहे हो ना? आपने किसी तीर्थ स्थान पर जाना है तो पहले तीर्थ स्थान का आप टिकट लेंगे या तीर्थ स्थान की गाड़ी करेंगे कि भाई इस गाड़ी वहाँ जाएगी, ऐसे ही है ना। कोई भी जगह ऐसी नहीं है जिसका स्थान नहीं है, उसका नाम है। तो ये जो नाम है ये बहुत ऊंचा है, इसको समझना देर लगती है, लेकिन है ये सबसे अनमोल है। कैसे आगे पढ़ो, नाम अमोल रतन है जग में, नाम अमोल नाम नाम मिला तो सब मिला। क्या मिला? नाम है सबका सार। निचोड़, निचोड़ होता है ना, अब जड़ी बूटियां लेकर उसमें से असर निकालते हैं, फिर दवाई तैयार करते हैं, वो जो दवाई है उसमें सारा सार आ गया, उसमें सारा सार आ गया। तो ये सार है, दुनिया की हर सच्चाई का सार है, उस मालिक को मिलने का सच्चा रास्ता है, उसके अलावा और कोई चीज़ है नहीं, सबका सार है। पूजा कर लो, पाठ कर लो,
तीर्थ यात्रा कर लो, व्रत रख लो, ये इसके सार नहीं है, इसे सार नहीं है, ये असलियत नहीं है। असलियत है घर में बैठकर उस नाम का सिमरन करो जो तुम्हें मिला है। क्या नाम मिला ये आप जानो, आपने उसके मुताबिक करना है काम। बाबा पद्मदयाल जी महाराज को ताराचंद जी आते थे, जहाँ संत ताराचंद दिनौत वाले, तो एक दफ़ा उन्होंने महाराज जी को बताया कि महाराज जी मैं एक कबीर पंथी के डेरे में चला गया तो क्या देखता हूँ कि एक औरत बड़ी मस्ती में बैठी है, आनंद में बैठी है। तो मैंने उस बीबी को पूछा, बीबी तू बड़ी खुश है, तेरे चेहरे पर बड़ा नूर है, कौन सा नाम जपती है? तो उसने कहा महाराज मुझे मेरे गुरु ने नाम दिया बकरी के तीन टांग, बकरी की तीन टांग, तो मैं तो उसी का सिमरन करती हूँ, मेरा ध्यान लग जाता है, मुझे आनंद मिलता है। वो बड़े हैरान हुए कि गुरु नाम ऐसे भी देते हैं। तो वो उस कबीर पंथी का जो हेड था उसके पास गए कि आपने महाराज वो लेडी को क्या नाम दिया? कहते ताराचंद क्या बताऊँ, हर रोज आके जा मुझे तंग करती थी, मैं कुछ कर रहा, महाराज नामदान दे दो, महाराज नामदान दे दो, जा बना महाराज नामदान दे दो। कहता मैंने जा बकरी की तीन टांग, मैंने कह दिया। उसकी ये हालत है। गुरु का वचन, जो गुरु का वचन है, गुरु वाक्यम मूल मंत्रम, सनातन धर्म यही कहता है, गुरु वाक्यम मूल मंत्रम, गुरु के मुख से निकले हुए वचन को सत्य मान लो और उस पर पूर्ण विश्वास करो, तुम तर जाओगे, सीधी बात है। तो जो सतगुरु जो सतपुरुष होते हैं, जब वो नाम देते हैं, वो साधारण नाम नहीं देते, वो अपनी ताकत को कन्वे करते हैं, बात समझ गए। लेकिन जो लेने वाला हो वो भी तैयार हो ना, लेने वाला तो तैयार ही नहीं है, वहाँ काम खराब हो जाता है। वो मांग लेता है महाराज नाम दे दो, जैसे काजे मुर्दो गुरु रामदेव होते हैं, कह देते जी नाम चपो, ठीक है। ये नाम सबका सार है। और फिर के काम क्या करता है, नाम जपने वाले को क्या देता है, उसको क्या मिलता है, वो आगे पढ़ो। नाम मिला तो सब मिला है, नाम है सबका सार है, जो कोई सुमिरे नाम लिते, जो कोई सुमिरे नाम लिते, व्यापे नहीं संसार जगमे। ये देखो क्या कहा, जब आदमी नाम जपने बैठ जाता है उस नाम को, तो उसको संसार की सुख बुद्ध नहीं रहती। दो तरह की, एक है दुनिया बाहर की, ये बाहर की दुनिया कुदरत की है, ये मेरी दुनिया नहीं है, मेरी दुनिया मेरे अंदर है, उसको संसार कहते हैं। बाबा जी महाराज कहते थे ये संसार शब्द दो बातों से बना, सम जमा सार, जब वो सम और सार इकट्ठे होते तो संसार बनता है। हमारे अंदर जो सुरत है, हमारे अंदर जो तुम्हारी असलियत है, उसके सामने जो कुछ भी आता है वो संसार है। तुम नाम जपने बैठे हो, कभी कोई ख्याल, कभी कोई मूर्ति, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी दुनिया, कभी दीन, कभी घर, कभी बाहर आता है ना, वो संसार है, वो संसार है तुम्हारा। नाम जपते हुए जो कुछ भी तुम अपने अंदर देखते हो, तुम्हारा संसार है। तो वो कहते हैं कि नाम जपने वाले को संसार नहीं व्यापता, वो नाम में चला जाता है। क्या कहा मैंने, उसको दुनिया सताती नहीं है, वो बैठ जाता है, ध्यान लगाया, कोई ख्याल नहीं अंदर, नाम की धुन चल रही है, नाम का सिमरन हो रहा है, ये है इसका मतलब। अब तुम देखना कि तुम जब नाम जपते हो तो क्या तुम अंदर सीन बनाते हो, बनते हैं। उनको छोड़ो, उन दृश्य को छोड़ो, वो असलियत नहीं है, वो माया है, वो जाल है, वो तुम्हें फंसाता है, तुम्हें अंदर नहीं आगे नहीं जाने देता, उनके पीछे नहीं लगना। अगर अगर ज्यादा तंग करता तो आंखें खोल लो, अपने गुरु को देखो कि महाराज ये क्या हो रहा है मेरे नाम, वो तुम्हारे साथ आ जाएगा। क्या कहा मैंने, आगे बोलो। सुख देवे दुख को हरे
कलेश है। फिर बोलो। सुख देव है दुख को है काटे कष्ट कलेश। क्या करता है फिर वो? सुन, आपका सुख देता है, दुख को काट देता है और कष्ट कलेश भी दूर कर देता है। तो मन से मन में हो ही नहीं, तुम शरीर को भूल गए, तुम मन के ख्यालों से निकल गए, तो कष्ट कहाँ है, दुख कहाँ है? मन में है। मेरी बात को पकड़ रहे शोक बेटा? दुख, सुख, कष्ट, क्लेश, झगड़ा, चिंता, फिक्र, वो कहाँ है? मन में है। तुम स्मरण करते करते मन को तो भूल ही गए, तुम तो आगे निकल गए। तो दादा दयाल बिल्कुल ठीक कहते हैं, सुख देता है तुम्हें, वहाँ आनंद मिलता है तुम्हें, वहाँ खुशी मिलती है तुम्हें, वहाँ कोई तकलीफ महसूस नहीं होती, तुम्हें कोई ख्याल नहीं आता, तुम उस नाम की लहर में बह गए हुए हो। क्या कहा मैंने? उस नाम की लहर में बह जाओ, तुम शरीर को भूल जाओगे। मेरी बात समझे? अब देखो मैं आपको बताऊँ, मेरी मशीन लगी हुई थी ना, मुझे उसके साथ सुना ही नहीं, मैंने उतार दी। मैं आपकी बात भी सुन ली। क्या कारण हुआ ये? नाम का सिमरन बहुत बड़ा काम करता है, मुझे ये प्रूव हो गया। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये शायद नाम का ही कृपा है, ये उनकी कृपा है, मेरा दुख दूर कर दिया। क्या कहा मैंने? बात समझ रहे सुनील बेटा? मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, जड़के से बताने वाली नहीं है। फिर भी मैं बता दी ताकि तुम लोगों के ख्याल में जो पक्का ख्याल आ जाए। अरे सुख देव दुख को हरे काटे कष्ट कलेश। हाँ। जीवन शांति चित बसे, जीवत शांति चित बसे, अंत में सति गुरुदेश। क्या अंदर क्या आ गया? शांति आ गई, अंदर प्रेम की लहर जाग गई। आगे क्या मिला? सतगुरु का देश मिल गया। सतगुरु का देश तब तक नहीं मिलेगा जब तक हम मन की कलाबाजियों में खेल रहे हैं। इसलिए बाबा की कहते थे, मन के साथ सुबह शाम कबड्डी खेला करो, इसको हरालो, इसको टालो, इसको खींच लो अपनी लाइन में, यही कहा करते थे ना। अब वो बातें याद आ रही हैं मुझे कि उनकी हर बात में बहुत बड़ा सत्य था, बहुत बड़ा ज्ञान था, और उस ज्ञान को जो इशारा मिला उसने मुझे यहाँ तक आपके चरणों में भेजा है। तो कोई कष्ट क्लेश नहीं रहता है, चिंता ना, फिक्र ना, डर ना, भय। क्यों? जब से सात संगत बह पाई, बिसर गई सब तात पराई, ना को बैरी ना बेगाना, हमको सबना संग मल आई। जब सबना संग मल गई, कौन तुम्हारा दुश्मन, कौन तुम्हारा मित्र? सब अपने हैं, सब अपने हैं। इस नजर से सबको देखा तो आनंद आ जाएगा। आगे जप तप संयम नियम यम सब है नाम अधीन। जप तप तीर्थ व्रत सब किसके अधीन है? नाम के अधीन है। वो तुम्हें कुछ नहीं देंगे। जाप किसका करोगे? जाप होता है मुंह से बोलना, तप होता है चौकड़ी मार के बैठ जाना, अग्नि जला लेनी चारों तरफ, ये तप कर रहा है। ये संत बड़े तकड़े हैं, ये संत पानी पीते हैं, ये तप है, कुछ नहीं खाते, ये तप है। क्या गृहस्थी के लिए गृहस्थ आश्रम एक बहुत उच्च कोटि का आश्रम है, इसमें सब कुछ है, बशर्ते कि इंसान को गुरु मिल जाए और गुरु का ज्ञान मिल जाए, तो सब कुछ मिल जाता है। फिर पढ़ो ये हिलाए। जप तप संयम नियम यम सब है नाम अधीन। नाम के परे कोई चीज नहीं है, नाम अमोल रतन है जग में, नाम रतन अनमोल। हजारों क्या लाखों दुनिया ने नाम लिया हुआ है, लेकिन उनको पूछो तुम्हारा कष्ट क्लेश दूर हो गया? नाम ही नहीं जपा।
टाइम ही नहीं मिलता बाबा जी की करिए, टाइम ही नहीं मिलता। फिर नाम क्यों लिया? ये सब्जी ले आए उसको लाकर फ्रिज में रख दिया, उसको बनाया नहीं, खाया नहीं, तो क्या स्वाद आया? सूखी रोटी खा रहे हो आप लोग। अरे उसका इस्तेमाल करो, अपने अंदर देखो जो कुछ है तुम्हारे अपने कठ में है, लेकिन हमें पता नहीं, हम मिसगाइड हो जाते हैं और वही हम दुख उठाते हैं। आगे नाम भक्ति के सिंधु का प्रेमी भक्त है मीना। नाम क्या है? ये भक्ति का सागर है, गुरु की भक्ति, और कोई भक्ति किसी काम की नहीं है, गुरु की भक्ति। और फिर प्रेमी संत क्या बना? वो सागर की मछली बन जाता है, वो सागर की मछली है, मछली को कोई कष्ट नहीं है, वो अपना उसका सारा इंतजाम वहां किया हुआ है, वो बाहर नहीं आते पानी के। और ऐसा आदमी नाम के बाहर नहीं जाता, गुरु के दरबार को छोड़कर भटकता नहीं है। या तो मुझे ऐसे ऐसे लोग मिले जिन्होंने पांच पांच गुरु किए हुए हैं, अमेरिका से फोन आता है मुझे, मैसेज आते हैं, महाराज हमने उनसे भी नाम लिया, उनसे भी नाम लिया, उनसे भी नाम लिया, अब चैन नहीं है, क्या करें? मैं क्या, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। आप मेरे को भी कहोगे हमने उनसे भी बात की थी, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, इसलिए मैं आपका कुछ नहीं हूँ। मैं सलाह दे सकता हूँ लेकिन मैं आपको गाइड नहीं कर सकता, क्योंकि आपने चलना नहीं है, आपकी रहनी ठीक नहीं है, आपका खाना ठीक नहीं है, आपका बोलना ठीक नहीं है, तुमको क्या मिलेगा? ये तो उनके लिए है जो निर्लेप हो गए हैं, जिनको खाने का कोई लालच नहीं है, ये भी खा लूँ, उनका जीव का स्वाद चला जाता है, उनकी आँख की पुतली बदल जाती है, उनके कानों का सुनना बदल जाता है, और उनका बोलने में भी तब्दीली आ जाती है। वो जब भी बोलेंगे वही की बात करेंगे, दूसरी बात करेंगे नहीं, दुनिया की क्या बात करनी, क्या लेना दुनिया की बात करके, अपने आप को गंदा करना है, दुनिया की बातों में उलझना अपने आप को गंदा करना है, मैं ऐसा समझाऊँ। अपने आप को देखो बस, बाकी छोड़ो, फिर मिलेगा नाम का आसरा। आगे चंचल मन निश्चल बने उपजे हर्ष उल्लास। फिर पढ़ो चंचल मन निश्चल बने उपजे हर्ष उल्लास। हर्ष उल्लास खुशी, अंदर अंदर खुशी पैदा होती है और संशय दूर हो जाते हैं, भ्रम दूर हो जाते हैं। कोई भ्रम नहीं रहता इंसान का अगर उसकी एक दफा सुरत वहां पहुंच जाए, और सुरत है मन के आगे। जब तक हम मन में हैं, जब तक हम शरीर में हैं, तब तक हमें अपने कर्म का फल भोगना पड़ेगा, अच्छा भी बुरा भी। जब धीरे 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 तुम इस दुनिया की रहनी को समझ जाओगे, तुम्हारी रहनी में भी फर्क आ जाएगा, तुम्हारी करनी में भी फर्क आ जाएगा, फिर दुनिया की क्या बात करनी। क्या कहा मैंने? आगे चंचल मन निश्चल बने उपजे हर्ष उल्लास। मन में भजे जो नाम को, मन में भजे जो नाम को, कभी न हो ये उदास। मन में जो नाम को स्मरण करता है वो कभी उदास नहीं होता, क्योंकि वो अंदर चल रहा है। फिर उदास क्यों होगा? क्योंकि वो तो यहां से ऊपर चला गया, वो शरीर को भूल जाता है। नाम जपने वाला, नाम का सेवन करने वाला शरीर को भूल जाता है, वो महाशून में जाकर नाम का सेवन करता है, वहां दुनिया नहीं है, वहां दुख नहीं है, वहां अपना कोई नहीं है, वहाँ पराया भी कोई नहीं है, वो अपने आप में ठहर कर खुशी प्राप्त करता है। सबसे बड़ी खुशी कहाँ है? सबसे बड़ी खुशी दुनिया की रंगों देखने में, नाच गाने सुनने में, या बाहर की जो कुछ भी नजर आ रहा है, जो लोग अपने आप को वहाँ संतुष्ट करते हैं, चलो वहाँ चले, वहाँ ये हो रहा है, जा
वो नहीं, वो हर्षोल्लास नहीं, वो वहां तुम खुश हो घर आए फिर वो ही, वहां तुम खुश हो बड़े खुश हो रहे, और जब घर आओगे फिर वही मुसीबत। क्या कहा कि नहीं है ना, सत्संग में बड़ा आनंद आ रहा है लेकिन जब घर आए फिर वही चल पड़ा। तो ऐसे ही वो कहते हैं वो हर्ष और उल्लास में रहता है जो मन में उसने अपने मन को नाम को दे दिया, मन को नाम को दे दिया। जब सिमरण हो रहा है तो मन ठहर जाता है, ठहर गया। मुझे बात याद आ रही है, जब हम छोटे छोटे थे स्कूल में पढ़ते थे तो शीशा ले लेते थे शीशा, और नीचे लड़के शरारत करते हैं, बैठ जाना कागज को लिया कापी रख और शीशे को ऐसे पकड़कर सूरज की तरफ करके उसके ऊपर लाइट डाल देनी, शीशे के ऊपर जो कागज वो चल जाता था। क्यों? क्योंकि उस शीशे ने सूर्य की किरण को इकट्ठा करके उसके ऊपर डाल दिया और वो चल गया। ऐसे ही सोलर कुकर बन गए, सोलर कुकर बने कि उसमें रोटी बना लो, चावल बना लो, दाल बना लो। अब तो सोलर सिस्टम लग गया, बिजली बना लो, सूरज की किरण से बिजली बना लो। तो तुम्हारे अंदर सूरज है, गायत्री मंत्र को सुन लो पढ़ लो, वहाँ सूरज है, वहाँ लिखा है। उसका मतलब ये है कि जागृत स्वप्न और सुषुप्ति से आगे जाओ, तुम्हारे अंदर सूरज का प्रकाश है, उसको अपना पथ प्रदर्शक बनाओ, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। क्या कहा मैंने? लेकिन आज तो दुनिया में गायत्री मंत्र का किसी को पता ही नहीं है, गायत्री मंत्र कहते किसको हैं। क्या कहा मैंने? तो इसलिए ये नाम की महिमा बहुत बड़ी, अगर मिल गया उसके हो जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। आगे पढ़ो। नाम तेरे घट में बसे बिन जी भ्याले नाम, फिर पढ़ो। नाम तेरे घट में बसे बिन जी भ्याले नाम। नाम कहाँ है? तुम्हारे घट में है, तुम्हारे अंदर है। कैसे? कबीर ने कहा ये उल्टा घड़ा है, उल्टा घड़ा है, घड़े की तय कहाँ है? यहाँ है। बात को समझने की कोशिश करना, घड़े का जो नीचा है वो यहाँ है, घड़ा ये सारा घड़ा है। यहाँ से आवाज़ दी, जहाँ से तुमने आवाज़ दी तो जहाँ से वापस आएगी। क्या कहा मैंने? तुम पहाड़ में चले जाओ, शाम का वक्त हो, तुम आवाज़ दो, तुम्हें वापस सुनाई दे दी। तुम कुएं में खड़े हो जाओ, कुएं के पास होकर उसमें आवाज़ दो, तुम्हें वापस मिलेगी। तो नाम जो तुम सिमरन कर रहे हो वो तुम्हारे अंदर से तुम्हें ही वापस मिल रहा है। क्या कहा? घट में है, वो बाहर नहीं है, कहीं मंदिर में नहीं, कहीं अब हो क्या गया, मंदिर में जाओ घंटा बजा दो। ये क्या है? ये मंदिर का दरवाजा है, यहाँ जाओगे घंटियाँ बजेंगी, यहाँ जाओगे नंबर वन पर घंटा सुनाई। हाँ, ये प्रकृति हर इंसान की अलग अलग है, हर इंसान का शरीर अलग अलग है, किसी को नहीं भी सुनेगा घंटा बजता, नहीं भी सुनेगा। अगले स्टेशन पर जाओगे तो वहाँ ओम ओम की आवाज़ आती है, थर्ड में जाओगे तो आपको सारंगी की आवाज़ आएगी, फोर्थ में जाओगे तो आपको सारंगी और ज़्यादा सुनाई देगी, पंचमे में जाओगे तो तुम्हें बांसुरी सुनाई देगी या सोहंग सोहंग की आवाज़ आएगी, और आगे निकल जाओगे तो सत्यलोक में पहुँच जाओगे। क्या कहा मैंने? ये सब कुछ ऐ इंसान तुम्हारे अपने अंदर है, मंदिर में दिया जलाओ चाहे ना जलाओ, आप घंटी बजाओ चाहे ना बजाओ, तुम आरती करो चाहे ना करो, तुम्हारे अंदर हर वक्त आरती हो रही है, लेकिन हम उस आरती में शामिल नहीं होते, हम उस आरती का हिस्सा नहीं बनते, इसलिए हम खाली के खाली रह जाते हैं। आगे। नाम तेरे घट में बसे बिन जी भ्याले नाम है, राधा स्वामी की दया, राधा स्वामी की दया,
होगा उसका, तुम्हारे सारे काम पूरे होते जाएंगे। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम दुविधा में फंस जाते हैं, कभी वहां भागो कभी वहां भागो, और कोई शक पैदा हो गया कहीं ऐसा ना हो जाए कहीं ये ना हो जाए, तो फिर गड़बड़ हो जाए। क्या कहा मैंने? इसलिए इस नाम की महिमा को समझो। इस नाम की बहुत बड़ी महिमा है। अगर ले लिया, किसी गुरु की संगत में बैठ गए, तो इस नाम को समय दो। ये तुम्हारा है, तुम उसके हो जाओ, तुम्हें किसी बात की कमी नहीं रहेगी। यही तो बाबा फकीर फैसला करके कह गए कि कहीं मत जाओ, किसी गुरु के दरबार में अभी धक्के मत खाओ। कोई भी तुम्हें जिंदगी में ऐसी बात आ जाती है, अपने कमरे में जाओ और आंखें बंद करके सच्चे दिल से उसको याद करो, तुम्हारी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। मन से याद करने से नहीं मिलेगा, हाथों से पूजा वहां तक नहीं पहुंचती, मन की पूजा भी वहां नहीं पहुंचती, आत्मा की पूजा भी वहां नहीं पहुंचती। जो सुरत के लेवल पर आवाज दी जाती है, तुम जब खाली होकर मांगते हो तो जगह बढ़ जाती है। क्या कहा मैंने? तो बहुत ऊंची बात मैंने कर दी। आज मुझे काम है, घर में बेटे के घर में कोई प्रोग्राम है, इसलिए बहू साथ आई है, मैं वहाँ जाऊँगा। 28 तारीख का सत्संग यहाँ नहीं होगा। 28 तारीख को मैं यूपी में हूँगा, बिलारी में, वहाँ हर साल प्रोग्राम होता है। उसके बाद मैं वापस आ जाऊँगा, क्या नाम है, मुरादाबाद। मुरादाबाद के बाद आ जाऊँगा मैं, क्या नाम, मेरठ। मेरठ से वापस आऊँगा। 3 सत्संग हैं 4 सत्संग हैं बाहर, वो करूँगा। बाबा फकीर की कृपा है, वो मुझे गाइड करते हैं, मैं चलता रहता हूँ। मैं तो कुछ करता नहीं, सीधी बात है। आप सुखी रहो, मालिक तुम पर दया करे, तुम्हें किसी बात की कमी ना रहे। बोलता रहूँ जितना मर्जी, कोई फायदा नहीं है। एक बात को पकड़ लो, घट में है बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है बाहर कुछ भी नहीं। जो कुछ है इसी मंदिर में है। मन मंदिर, तन बेश कलंदर, घट ही भीतर ना आवे। एक शब्द मेरे प्राण बसते हैं, बहुत जन्म ना आवे। ये गुरुवाणी की बात है। वो अंदर है, अंदर स्नान करो। बाहर के कपड़े धोने से या रंग बिरंगे डालने से बात नहीं बनेगी, अंदर को साफ कर लो। इसमें से चुगली, निंदा, बुराई, बुरा देखना, बुरा सुनना, बुरा कहना छोड़ दो। अपने आप में ठहर जाओ, अपनी बात करो, बाकी चुप हो जाओ। आप सबको बहुत बहुत प्यार, और प्यार भरा राधा स्वामी, सुखी रहो। अब मेरी में सत्संग होगा पहले वीक में, पता नहीं उस दिन क्या डेट होगी, मालिक जाने। सबको राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।